अगर ये सरकार दोबारा भी आती है ऊपर वाले से दुआ करूंगा ये सरकार आ जाए। कोई भी काम मतलब कुल मिलाकर प्रशासन गुंडागर्दी सब खत्म हो जाए। और रोजगार पे कितना ध्यान दिया है उस चीज को लेके आज हम अपना अधिकार इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे भारत एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आज लोकसभा चुनाव का जो त्योहार है वो शुरू हो चुका है, पहले चरण का मतदान भी शुरू हो चुका है। मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में और यहां के मतदाता जो हैं वो लगातार बूथ पर आ रहे हैं और लगातार वोट डालकर ही जा रहे हैं। सुबह के समय की मैं बात करूं तो सुबह में भी लगभग 7 बजे की बात करूं तो उस समय भी मतदाता जो थे वो लगातार आ रहे थे और वोट डाल रहे थे। यहां पे मेरे सामने जो है मतदाता मौजूद है और उससे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि इधर जो है आप सुरक्षा के इंतजाम दिखाइए। लगातार यहां जो है पुलिस बल तैनात है, आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार चेकिंग चल रही है। उनके कार्ड्स को चेक किया जा रहा है, उनके बॉडी को लगातार चेक किया जा रहा है, फोन्स को चेक किया जा रहा है। इसके बाद हम आपको लगातार यहां जो हमारे साथ मतदाता मौजूद है उन सब से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे आज का आज जो वोटर्स मौजूद है उनका मुद्दा क्या कुछ रहा है, किन मुद्दों पे उन्होंने आज वोट डाला है, मुजफ्फरपुर की क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस पे वो आगे काम चाहते हैं कि सरकार। सर, किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट डाला है? हमने विकास के मुद्दों को लेकर वोट डाला है। 10 साल पहले देख लो कैसा था और आज कहाँ पहुँच गया जी। आज बहुत आगे निकल गए हम हर फील्ड में, वो आयुष्मान कार्ड हो, स्वास्थ्य विभाग हो या कोई भी काम हो, मतलब कुल मिलाकर प्रशासन गुंडागर्दी सब खत्म हो चुकी है। अच्छा। इस सरकार में और हमने इसी सरकार को इसी वजह से चुना के बच्चों के लिए नई तालीम, नई परीक्षा हो जाए उसके लिए वोट डाला। अच्छा। नौकरियां मिल जाए लड़कों को, नौकरी चाहिए। आप बताइए। मैं अभी डालने जा रहा हूँ। महंगाई, बेरोजगारी, इस तरीके के काम है। अच्छा। आपने वोट डाल दिया? वोट डालेंगे अभी डालेंगे जी। तो क्या क्या विकास देखा है अपने मुजफ्फरनगर में या फिर आगे के लिए क्या चाहते हैं आप? मुजफ्फरनगर लोकसभा पे सांसद संजीव बालियान को 10 साल हो गए हैं। हाँ। इस गांव सूरडू के अंदर डॉक्टर संजीव बालियान का कोई विकास नहीं हुआ है और हमारे गाँव में कोई विकास नहीं है। अब क्षेत्र हमारा नगर पालिका में आ गया है, अब देखते हैं क्या नगर पालिका भाजपा की है, अध्यक्ष भाजपा के हैं, क्या हमारे गांव में क्या काम विकास कराएंगे उसके। और विधायक जो है पंकज मलिक वे सपा से हैं, उनके यहाँ पे हमारे यहाँ काम बहुत हो गए हैं, सड़क भी बनी है नगर पालिका उससे विधानसभा से, कई काम हुए हैं उसको। और जो हम डाल रहे हैं वोट डालेंगे विकास के नाम पर, वोट डालेंगे जो यहाँ विकास कराएगा उसे वोट मिलेगी। मैडम देखो सारी चीजें देखी जाती हैं, उन्होंने पिछले सालों में क्या किया है, कितना प्रोग्रेस किया है चीजों को लेके, एजुकेशन पे कितना ध्यान दिया है और रोजगार पे कितना ध्यान दिया है उस चीज को लेके आज हम अपना अधिकार इस्तेमाल करेंगे और सारी चीजों को देखते हुए आज हम अपना अधिकार जो है उसको सही दिशा में लेके जाएंगे। हाँ। जी अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं, आप प्लीज दिखाइए, मेरे जो कैमरामैन है उनसे बोलूंगी, यहाँ पे महिलाएं भी जो है लगातार वोट डालने के लिए आ रही हैं। सुबह से जो मैं देख पा रही हूँ सुबह से ही महिलाएं मुझे लगातार वोट देते नजर आ रही हैं। सुबह के अगर मैं 7 बजे की बात करूँ जब मतदान शुरू हुआ था उस वक्त से ही महिलाएं मुझे नजर आने लगी थी, तो इस बार महिलाओं में जागरूकता जो है वो लगातार नजर आ रही है। और उनसे जब मैं बात कर रही हूँ तो वो महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर बात कर रही है, लगातार वो शिक्षा को लेकर बात कर रही हैं। मैडम एक मिनट आइएगा, क्या मन में जो है मुद्दे हैं उनको लेकर आपने आज वोट डाला है? हमने डाल दिया वोट तो डाल दिया, क्या 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 सोच के वोट डाला है, जो क्या क्या होना चाहिए देश में, सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, आपने डाल दिया दादी, वोट डाल दिया? डाल दिया। कैसा रहा? इधर इधर देश के लिए डाला। अच्छा, देश के लिए डाला। सभी जो है आप लोग वोट डालने भी जा रहे हैं? अच्छा, इस बार क्या मुद्दा है? सर एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट। मुद्दा मैडम सबसे पहले तो महंगाई। अच्छा, मेन चीज महंगाई है। हाँ। महंगाई जब तक कंट्रोल में नहीं आएगी वो। हाँ। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, मेरे को किसी को पक्ष में नहीं बोलना जी। मेन चीज महंगाई। अच्छा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा इस टाइम हमारे देश के अंदर, ये चीजें बिल्कुल कंट्रोल में होनी ही चाहिए। ये मैं सरकार से गुजारिश करूंगा जो है उससे भी और आने वाली सरकार से भी, बस ये मेरा मेन मुद्दा है। चाचा आप बताइएगा कि अभी जो मौजूदा सरकार है आप लोगों के उम्मीदों पे खड़ी है या कुछ चाह रहे हैं बदलाव हो? मुझे तो आइडिया नहीं, बस खड़ी है इंशाल्लाह। अच्छा, आप बताइए। काफी हद तक ये सरकार अच्छी है, मैं सरकार को बुरा नहीं कहूंगा, इन्होंने बहुत सारे काम अच्छे किए हैं। हाँ। पर 2-3 चीजों पे ये विफल क्यों रही है मेरे को पता नहीं लगा। क्या है? बेरोजगारी और ये महंगाई जो है ये कंट्रोल नहीं क्यों कर पा रहे ये मेरे को समझ नहीं आ रहा।
ये समझना पड़ेगा सरकार को भी। मैं ये सरकार से उम्मीद करता हूँ, अगर ये सरकार दोबारा भी आती है ऊपर वाले से दुआ करूंगा ये सरकार आ जाए, पर इससे ये प्रार्थना जरूर रहेगी कि आप अपने थोड़ा सा गरीब जनता के बारे में सोचने का हक बनता है हमारे लिए। चाचा वोट डालने जा रहे हैं? अरे क्या क्या सोच के जा रहे हैं वोट डालने, किसका मतलब क्या मन में क्या है बातें? मन में क्या, जहाँ लगेगी लग जाएगी, बस कहीं पे भी लग जाएगी। और लोग जो है लगातार जो है मतदाता जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही सख्त, उतनी ही पाबंद, उतनी ही चेकिंग चल रही है। मैडम वोट डाल दिया? डाल दिया। तो ऐसे ही हम लगातार जो है आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हम आपसे कुछ वक्त के लिए अलविदा लेते हैं। मैं पल्लवी सिंह, कैमरा पर्सन हुकुम के साथ भारत एक्सप्रेस।